आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फनजाए के बारे में तो इकोनॉमिक गेन्स किसे कहा जाता है मीशत को फायदा यानी इकोनॉमी कहा जाता है मीशत को तो इकोनॉमिक गेन्स का मतलब है कि हमारी मीषत को क्या फायदा होता है किसकी वजह से फंजाए की वजह से तो फंजाए क्या है फनजाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हिट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं तो हिट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं हिट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं यानी ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपना फूड ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम इस तस्वीर की मदद से फंजाई को देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं तो फंजाए जो होते हैं जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स नज़र आते हैं तो फंजाए की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ होती हैं कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो फ़ायदा देती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो नुकसान देती हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फनजाए की वजह से इकनॉमिक गें्स क्या क्या होते हैं तो फनजाई की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ होती हैं जिनको एज़ फूड यानी खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मशरूम्स होते हैं मॉरल्स और ट्रफ़ल्स ये क्या है ये फनजाई की मशरूम्स को अगेरिक स्पीशीज़ भी कहा जाता है तो ये फनजाई की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं जो कि ज़ाइत के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं और जिनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो इनको यहाँ पे हम इन तस्वीरों की मदद से देख भी लेते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस तरह के मशरूम्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं मशरूम्स ये हैं मॉरल्स और ये ट्रफ़ल्स तो ट्रफ़ल्स को खुम्बियाँ भी कहा जाता है तो ये ईत के एतबार से बहुत अच्छी स्पीशीज़ हैं इसलिए इनको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ फनजाई की होती हैं जिनको फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें यीस्ट की जिसको सेक्रोमाइसिस सर्विसी भी कहा जाता है या यीस्ट को हम आम ज़ुबान में खमीर भी कहते हैं तो इस पिशी में यानी यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्विसी में फिर फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है तो फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के नतीजे में यानी यीस्ट के अंदर जो फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है तो उसकी वजह से जो है वो फिर ब्रेड प्रोडक्शन में आसानी होती है तो ब्रेड प्रोडक्शन के लिए जब मुख्तफ अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि मैदा होता है चीनी होती है नमक होता है तो उसके अलावा इसमें हीस्ट भी ऐड किया जाता है यानी खमीर डाला जाता है और थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो इस डो से ब्रेड तैयार की जाती है तो इस तरह से फनजाई की कुछ स्पीशीज़ को फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा फंजाए का रोल यानी जो फंजाए है उसको मेडिसिन की इंडस्ट्री में यानी अद्वियात की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें एक मेडिसिन की जिसका नाम है पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुई और यह एंटीबायोटिक किसकी मदद से बनाई जाती है फंजाई की एक स्पीशी की मदद से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम तो पेनिसिलिन को मुख्तलफ तरह के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यानी मुख्तल तरह के इन्फेक्शन या बीमारियों के खिलाफ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसका नाम है लोवेस्टेटन जो कि मुख्तलि तरह की फंजाई की स्पीशीज़ से तैयार की जाती है और लोविस्टेटन को इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने के लिए तो कोलेस्ट्रोल क्या होता है यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें ये ब्लड वेसल यानी खून की नाली नज़र आ रही है तो इसमें यह क्या है ब्लड सेल्स हैं तो इसके अलावा अगर इस तरह से फैट्स जमा होना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं वो क्या है कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो गया है तो जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो मुतासर होता है तो इस सूरत हाल में जो ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल है उसको कम करना ज़रूरी होता है तो इसके लिए मुख्तलिफ तरह की मेडिसन्स होती हैं जैसे कि लोवेस्टेटन है तो इसको प्रिपेयर किया जाता है यानी तैयार किया जाता है फंजाई के मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की मदद से इसके अलावा एक और मेडिसन है जिसका नाम है इर्गोटीन जो कि सर दर्द यानी हेडिक के लिए इस्तेमाल की जाती है तो इर्गोटीन भी फंजाई की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ को इस्तेमाल करके तैयार की जाती है तो इस तरह से फंजाई की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की वजह से मेडिसन बनाने में भी मदद मिलती है और मेडिसन इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी फनजाई की मुख्तलिफ स्पीशीज़ का रोल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी जो कपड़ा बनाने की सनत है उसमें भी फनजाई की कुछ ख़ास स्पीशीज़ होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें डाइज की यानी कि जो कपड़े को रंगा जाता है जिस मटेरियल से जिसको डाई कहा जाता है डाई एक ऐसी चीज़ होती है जो कलर देती है तो कुछ जो डाइज होते हैं या जो रंग होते हैं वो तैयार किए जाते हैं लाइकन से लाइकन क्या होता है फंजाए और एल की जो स्पीशीज़ होती हैं उसका रिलेशनशिप तरह से यानी कि एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है जिसको हम सिम्बायोटिक पार्टनरशिप कहते हैं जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं तो फंगस और एल की जो स्पीशीज़ होती हैं जब उनका सिंबायोटिक पार्टनरशिप होता है उसको हम लाइकन्स कहते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के जो लाइकन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके डायस बनाए जाते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसर्च में भी फंजाई की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जैसे कि अगर हम बात करें यीस्ट की जिसको सेक्रोमाइसिस सर्विसी भी कहा जाता है तो यीस्ट की मदद से फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार किया गया तो क्रोमोसोम क्या है क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि नॉर्मली सेल्स के जो न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद होता है जो यू कैरियाटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें के मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनेलीज़ मौजूद होती हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ख़ास किस्म का जो मटीरियल होता है जो कि विरासती मादा होता है यानी जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं तो नेचुरली तो ये मौजूद होता है लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं जो साइंटिस्ट हैं वो अब फंजाई की मुख्तलिफ स्पीशीज जैसे कि यीस्ट की बात करें उसकी मदद से आर्टिफिशियल क्रोमोजोम भी प्रिपेयर कर रहे हैं इसके अलावा एक और स्पीशी है फंजाई की जिसको पिंक ब्रेड मोल्ड या न्यूरोस्पोरा कहा जाता है जो कि देखने में इस तरह की नज़र आती है यानी जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इस तरह से पिंक से कलर के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इनको पिंक ब्रेड मोल्ड या न्यूरोस्पोरा कहा जाता है जो आम तौर पे ब्रेड पे अटैक करती है और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना देती है जिसकी वजह से ब्रेड या डबरोटी जो है वो खाने के काबिल नहीं रहती तो वैसे तो ये ब्रेड यानी फ़ूड आइटम्स को ख़राब करती है लेकिन जो जेनेटिक genetic, जो जेनेटिसिस्ट्स हैं वो इस पिशी को जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से फंजाए ना सिर्फ फ़ूड के तौर पे इस्तेमाल होती है और मेडिसिन में इस्तेमाल होती है इसके अलावा इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है और बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है इसी वजह से ये इकोनॉमी को यानी इसकी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो इकोनॉमी को फ़ायदा देती हैं तो आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई के बारे में